Well, I'm Dr. Tanvi Mayur Patel, endocrinologist practicing in Juhu, Mumbai. कहते हैं कि इंसान को लाइफ में प्यार एक बार होता है बट आई एम लकी टू फॉल इन लव थ्री टाइम्स फर्स्ट विथ माय प्रोफेशन आई टेक इट अ वेरी बिग प्राइड ऑफ द डिजीजेस विच आई ट्रीट एंड विच आई क्योर सेकेंड ऑफ कोर्स माय हस्बैंड एंड माय फैमिली एंड अ थर्ड इज अ कैंगन यस फॉर श्योर Now, let me tell you how this kangen came into my life. मेरी दो बहुत ही करीबी फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्होंने उनमें से एक फैमिली फ्रेंड जो मेरे राखी ब्रदर है उन्होंने ऑलरेडी कैंगन परचेस कर लिया था एंड ही हैड परचेस द मशीन क्योंकि उनको किसी ने रिकमेंड किया था अब जब भी बात हेल्थ की आई एंड I have been not only a family friend but also his personal doctor. तो उन्होंने मुझे बोला तंगी ये देखो जरा मशीन मैंने ले तो ली है और पता नहीं क्या है तुम इस पर रिसर्च करो बट ठीक है चलो मैं देखूंगी विद द बिजी प्रैक्टिस कोरोना भी चल रहा था सोचा कहाँ पर इतना टाइम है मैं देखूंगी उसके करीब 10 दिन बाद में और हमारे एक बहुत ही अच्छे फैमिली फ्रेंड अगेन माई पेशेंट उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया कि डॉक्टर तन्वी यू हैव टू कम फॉर अ प्रेजेंटेशन एंड आई वांट यू टू बी देयर फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं गई मिड ऑफ द वे पे पहुंची थोड़ा देखा डेमो देखा एंड आई लेफ्ट एंड देन इट स्टक टू माय माइंड ये वही मशीन है जो प्रतीक भाई ने मुझे बोला है कि तन्वी इस पर रिसर्च कर बोले ये दो लोग साथ साथ में क्यों कह रहे हैं अब देखना पड़ेगा कि ये है क्या बिकॉज दोनों की हेल्थ मैं मैनेज कर रही हूं तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट भी बन गया था कि उनके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा तो वेल देन द रिसर्च स्टार्टेड काफी रिसर्च किए हर एक फील्ड के जितने भी आर्टिकल्स मैंने सभी आर्टिकल्स पढ़े अब इतना जो भी मेडिकल इंक्लिनेशन रहता है एंड देयर इज अ हंगर टू नो एवरीथिंग न्यू आई वेंट मोर इन टू डेप्थ और जितना जाते गए आई रियलाइज ये टॉपिक पहले क्यों नहीं आया मेरे सामने नाउ काफी आर्टिकल्स पढ़े देन डॉक्टर हिरोमी सिन्हा अब ये डॉक्टर हिरोमी सिन्हा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आई कंसल्टेड माय प्रोफेसर हु इज वन ऑफ द टॉप 10 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऑफ आवर कंट्री जिनके पास उनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीना वेटिंग लगता है So I was fortunate that I was his assistant in 2006. So I immediately called up sir. Sir, Hiromi Shinya ko to aap mile hi honge conference mein, but I want your opinion on it. He told me, Tanvi, ek kaam kar, kal clinic mein aaja. I was like, theek hai sir, kafi saal se mile bhi nahi, I'll go back. I went back to his clinic. And he said that, ke tumne machine le li? बोलू नहीं सर अभी तक नहीं ली मैं बहुत रिसर्च के जोन में चल रही हूँ बहुत रिसर्च आ रहे पढ़ रही हूँ बोले सर व्हाट इज योर ओपिनियन ही सेड बेटा इट्स ऑलरेडी देयर इन माय होम एंड दैट वाज द एंड ऑफ माय रिसर्च बिकॉज जो डॉक्टर को मैं एज अ स्टूडेंट एस्पायर करती हूँ बाय द वे ही इज अ family physician of Mr. Mukesh Ambani. So, he is the one whom I look up to as a mentor in my medicine. So, when he said, Tanvi, ghar pe machine 4 saal se lagi hai, and that was end. I was like, theek hai, okay, fine. And so then those research ended, and that's how this machine came into my own family. So, decided ke ye paani kyun rakhna clinic mein? When I am not drinking this in my own home, why this for my patients? Though वो लोग वहाँ पे थोड़े वक्त के लिए रहेंगे, लेकिन फिर भी and that's how the Kangen machine came in the clinic also. Now, अभी आ जाता है point of recommendation. Yes, I have recommended to मेरे बहुत सारे मरीजों को मैंने recommend किया है. Luckily, everyone has got some or the other benefit in their entire family. एंड यस मेडिकल रिसर्च काफी है आपको शायद से कैंगन वाटर पे ना मिले यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑन अ इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर
ओके सो अगर आप भी रिसर्च करते हैं, अच्छा खासा रिसर्च करते हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होइए, समझिए कि क्या है, हम जो भी प्रॉपर्टीज कहते हैं उसमें उसका क्या मीनिंग है. ओके एंड यस द एंटायर टीम इज फैंटास्टिक, खुद इतने गहराई से ये सब्जेक्ट में उतरे हैं. अभी मेरे लिए थोड़ा रिसर्च थोड़ा इजी था बिकॉज ऑफ द मेडिकल बैकग्राउंड. अगेन आई सीन अ वेरी डेडिकेशन, इतने रिसर्चेस, इतने आर्टिकल्स निकाले हैं एंड समटाइम्स आई एम रियली अमेज्ड के वाओ दिस इज अ डेडिकेशन. सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू द एंटायर टीम. मैं यहाँ पर अपना टॉक कंप्लीट करना चाहूंगी. थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू. आपके जितने भी पेशेंट्स को आपने रिकमेंड किया, कोई ये पॉइंट लेके नहीं आया कि मशीन महंगी लगी या तो इसने काम नहीं किया. पर हाउ डू यू थिंक 3 लाख रुपया एक मिडिल क्लास के लिए जिसकी सैलरी 15-20 हजार है या 50 हजार रुपया से नीचे है, क्या वो इतना रिस्क लेकर के इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए? जो भी अमाउंट होता है ना मनी का, ये बहुत ही पर्सनल अमाउंट होता है. ये तो कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस टैग हम जब देखते हैं तो उसकी क्वालिटी एंड उसकी नीड ऑफ द प्रोडक्ट इन योर लाइफ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम जानते न जानते बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदते हैं, जैसे सबसे पहले है फोन, जिसका शायद से हमारी लाइफ में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, एक्सेप्ट हम क्या करेंगे, फोन का फोन कॉल्स कर लेंगे, मैसेजेस भेज देंगे या तो फिर कैमरा यूज करेंगे. इसके ज्यादा हम और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे फोन के गैजेट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता. इसके बावजूद हम देखते हैं लोग 50,000 1 लाख 1.5 लाख के भी फोन खरीदते हैं. तो ये इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी कितनी है एंड हाउ मच यू आर विलिंग टू स्पेंड फॉर दैट प्रोडक्ट. तो दैट इज व्हाट माय आंसर इज. अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, आपकी खुद की हेल्थ है, तो ऑफ कोर्स आपकी जिंदगी में ऐसे ही चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो आपको और आपके परिवारजन को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहे. एंड जहां तक की प्राइस का बात है, जी हाँ, ये प्रोडक्ट की जिस हिसाब से लाइफ है, तो अगर आप तो बहुत ही अच्छे स्मार्ट इंसान है, आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा तो आपको कितने में ये महंगी पड़ेगी या सस्ती पड़ेगी, वो तो इट्स प्राइसलेस. थैंक यू सो मच. हाँ मैडम, आपसे ये मेरा क्वेश्चन था कि हमारे बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं वो जाते हैं डेमो दिखाने के लिए और डेमो देखने के बाद उनके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, है ना, और बोलता है सब देखने, लाल पीला देखने के बाद वो बोलता है कि हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बोलेंगे. फोन पे डॉक्टर को कॉल करता है, उधर से डॉक्टर उसको मना कर देता है ना. तो इस सिचुएशन में उस डॉक्टर को और उस फैमिली को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या आंसर देना चाहिए आपके हिसाब से? एक तो सबसे पहला, अगर आप किसी भी चीज को खुद जब भी देखते हैं, तब आपको पहली बार अगर आपने कोई भी चीज देखी तो सामने वाले ने आपको 100% समझाया है, आपने उसमें से 70-80% समझा है क्योंकि आपने ये चीज पहली बार देखी है. अभी आपने जिसको भी डेमो दिखाया उन्होंने पहली बार देखा, इसीलिए कलर्स चेंज होके उनके कहते हैं ना बाल खड़े हो गए. ठीक है, अभी उन्होंने जितना समझा 70-80% वो उनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो डॉक्टर के सामने 40-50%. ठीक है, यही होता है थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन. वो 40-50% वो डॉक्टर ने उनका सुना, जो भी उनके फिजिशियन है. अब उन्होंने क्योंकि ये चीज देखी नहीं है, दूसरा उन्होंने ये चीज के बारे में पढ़ा नहीं है, ओके, तो इसीलिए बहुत ही इजी हो जाता है एज अ डॉक्टर कहना कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है. मेरी लाइफ में भी ये प्रोडक्ट की शुरुआत ऐसी ही हुई. अगर वो दो जिस इंसान, एक मेरे राखी ब्रदर है और एक मेरे बहुत ही करीबी फैमिली फ्रेंड कम पेशेंट है, अगर शायद से उनकी जगह पे और कोई भी पेशेंट या और कोई भी रिलेटिव भी होता था तो मैं शायद से इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी और रिसर्च नहीं करती थी. ये बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके सामने ये प्रोडक्ट कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. एंड ऑफकोर्स
कोई भी चीज को अगर आप खुद उसके बारे में रिसर्च नहीं करते तो ये कहना अच्छा है या बुरा है ये अपने आप में ही बुरी बात है, बिकॉज आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि आपने उसके बारे में जाना है, आपने बहुत रिसर्च किया देन आप कहते हैं नहीं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं खुद वो डोमेन में नेव हूं नहीं हूं तो मेरे लिए स्टेटमेंट पास करना राइट और रॉन्ग इटसेल्फ इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बेस्ट चीज ये रहेगी कि आप उनके डॉक्टर को जाकर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए, यू मस्ट डू दैट एंड यू मस्ट एजुकेट एंड देयर यू शुड गो विद द एक्चुअल सॉलिड प्रूफ ऑफ द मेडिकल आर्टिकल्स, देयर यू डोंट गो एज अ जस्ट अ लेमन पर्सन। ओके थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल, थैंक यू सो मच, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज।